जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नेम है माय एल्डर ब्रदर। माय एल्डर ब्रदर का मतलब होता है मेरा बड़ा भाई। आइए इस स्टोरी को समझते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। इस लाइन का क्या मतलब होता है? यह छोटा सा प्ले जो है दो ब्रदर्स के बारे में दिया हुआ है, यानी दो भाइयों के बारे में दिया हुआ है जो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, एक दूसरे की बहुत आदर करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज डैट लर्निंग फ्राम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्राम बुक्स इन द स्कूल। इस स्टोरी में यह भी दिखाया गया है कि जो चीज़ें हम अपने डे टू डे में एक्सपीरियंस करते हैं, उसको जो सीखते हैं, वह इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इससे यह समझ में आता है कि जो चीज़ें हम अपने घर से सीखते हैं, लोगों की आदर करना, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करना, तो वो सारी चीज़ें जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम स्कूल के किताबों से सीखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यह स्टोरी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, उस पर आधारित है जो कि हिंदी में है और उसका नाम है बड़े भाई साहब। इसको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया है। ओके, सीन वन, अ हॉस्टल रूम। एक हॉस्टल रूम रहता है, टू ब्रदर्स, दो भाई रहते हैं और दोनों का एज जो है, एक का 9 ईयर्स है और एक का 14 ईयर्स है। सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, पढ़ने वाले मेज़ पे बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई भैया, इज़ रीडिंग अ बुक, भैया जो है किताब पढ़ रहा है, और जो छोटा भाई है वो पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है बर्ड्स एंड एनिमल्स के। भैया कहता है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, टर्निंग पेल का मतलब है चेहरा पीला पड़ गया, तो चेहरा उसका पीला पड़ जाता है और वह कहता है, मुन्ना मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक 4 आवर्स टुगेदर, मुन्ना कहता है, आप कैसे जो है किताबों के साथ घंटों तक बैठे रहते हैं? फिर भैया कहता है, डैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं अपना आधार जो हूँ एजुकेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर हमारे पिलर जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो उस पर बिल्डिंग्स जो है बहुत अच्छे तरीके से खड़े हो पाएंगे। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 ईयर्स टू डू 1 ईयर्स वर्क, कभी कभी जो है या 2 साल लगते हैं 1 ईयर्स के काम को करने में। फिर मुन्ना कहता है, भैया यू आर 5 ईयर्स ओल्डर देन आई एम एंड 3 क्लासेस एहेज ऑफ मी। मुन्ना क्या कहता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और आप मुझसे 3 क्लासेस आगे हैं। आई वंडर, मुझे बहुत आश्चर्य होती है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, आप सेम वर्ड को जो है 20 टाइम्स क्यों लिखते हैं? वन सेंटेंस को जो है आप 20 टाइम्स से भी ज़्यादा लिखते हैं और उस पोएम्स को कॉपी करते हैं जो सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स में जो है आप उसको कॉपी करते हैं। फिर भैया कहता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। देखिए भैया क्या कहता है कि इंग्लिश सीखना बच्चों का काम नहीं है, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, विषय को सीखने के लिए जो है मेहनत करने पड़ते हैं। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रीमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ऐसा भैया कहते हैं। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन जब तुम्हें मौका मिलता है तो तुम खेलने के लिए फील्ड में चले जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, आप मार्बल्स खेलते हो, पतंग उड़ाते हो और सीट आइडलिंग अवे विद योर फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो है हंसी मजाक करते हो। कांट यू सीट डाउन एंड स्टडी, क्या जो है आप कांट यू सीट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? नेक्स्ट मुन्ना, ओ भैया, मुन्ना कहता है, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, आज जो है गांव में बहुत बड़ा मेला है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? शुड बी गो? भैया कहता है,
Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? क्या तुमने कभी मुझे देखा है किसी मेला में जाते हुए या क्रिकेट को देखते हुए या हॉकी मैच को देखते हुए? I don't go near them. मैं उनके नज़दीक नहीं जाता. I prefer to study a book. मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ. I don't mind repeating a class for more than 2 years. मुझे इसकी ज़रा से भी परवाह नहीं कि मैं एक ही क्लास को 2 साल से भी ज़्यादा रिपीट करता हूँ. But you might stay in the same class all your life. पूरे जीवन में जो है तुम एक क्लास में रह सकते हो. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? क्या तुम्हें आशा है कि अगर तुम अपना समय जो है खेल कूद में बर्बाद कर लोगे तो भी तुम्हें पास होने की गुंजाइश है? You are simply wasting father's hard earned money. तुम सिंपली जो है अपने पिता की कमाए हुए मेहनत के पैसे को बर्बाद कर रहे हो. मुन्ना starts crying on being scolded. डांट पड़ने के बाद जो है मुन्ना जो है रोने लगता है, सिसक सिसक कर रोने लगता है. वाह वाह ओह की आवाज़ आने लगती है. जैसे कोई बच्चा सिसक सिसक के रोता है तो वैसी आवाज़ें आने लगती हैं. फिर मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ भैया. फिर भैया कहता है, नाउ नाउ अभी अभी स्टॉप क्राइंग, चलो अभी रोना बंद करो. पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छा सा स्माइल दो. देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूंगा, तुम उसको फॉलो करोगे. गेट अप एट डॉन. ओके टाइम टेबल को देखते हैं. 6 AM मॉर्निंग का समय होता है. शेड्यूल क्या है? वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धोना है. हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है पढ़ाई के लिए बैठना है. फिर 6 से 8 जो है वो इंग्लिश पढ़ाई करना है. 8 से 9 मैथ्स पढ़ाई करना है. और 9 से 9:30 जो है हिस्ट्री पढ़ाई करना है. 3 से 3:30 फिर देन ऑफ टू स्कूल. 5 to 6 जो है ग्रामर पढ़ाई करना है. हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग. फिर हाफ एन आवर जो है स्ट्रॉलिंग मिस होता है घूमना, हाफ एन आवर जो है फिर आप घूम लीजिएगा. शाम में 6:30 से 7 जो है इंग्लिश कंपोजिशन की पढ़ाई करनी है. उसके बाद डिनर करना है. 8 to 9 जो है ट्रांसलेशन की पढ़ाई करनी है. और 9 से 10 जो है हिंदी की पढ़ाई करनी है. और 10 से 11 जो है नाइट में अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है. उसके बाद आप बेड पर चले जाएंगे, सो जाएंगे. फिर मुन्ना कहता है, बट वेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कब मिला मुझे? भैया कहता है, प्ले क्यों, वट इज़ द नीड, खेलना क्या हमारे लिए ज़रूरी है मुन्ना? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड, मुझे हरे मैदान बहुत ही पसंद है. द जेंटल ब्रीज, बहुत ही ताज़ी हवा, जेंटल ब्रीज. आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह मैदान में जम्प करना चाहता हूँ. आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल्स पुल्स मी लाइक अ मैगनेट. हरी एंड फ्लरी जो है वॉलीबॉल्स जल्दबाजी में जो है मुझे मैगनेट की तरह ये सारी चीज़ें खींचती हैं. एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जितना जल्दी मैं फील्ड पर चले जाऊँ मैं सारी चीज़ें को भूल जाता हूँ और टेंशन मुक्त हो जाता हूँ. तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है मैंने स्क्रीन 1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. आप इस वीडियो को बार बार देखें और स्क्रीन 1 तक के स्टोरी को समझें. अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो व्हाट्सएप में जो क्लास चलेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.